कि आप माउस से मोबाइल चलाना चाहते हैं, क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे मोबाइल में माउस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम माउस से मोबाइल को चला सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आसानी से कैसे माउस से मोबाइल को चला सकते हैं या मोबाइल में कैसे हम माउस को कनेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीडियो को देखते रहिए। माउस से चलाने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, एक OTG को लेना होगा, जो कि यहाँ पे दिख रहा होगा, ये छोटा सा डिवाइस है OTG, इस प्रकार का आप ले लेंगे, जो कि इधर से दिख रहा होगा USB पोर्ट, और इधर से Type-C है, जो कि Type-C आपके फ़ोन में लगेगा, आप जानते ही हैं, और इधर से दिख रहा होगा आपके सामने, जो कि USB पोर्ट है ना, आपका माउस होगा ना उसमें केबल दिया रहता है, केबल में दिख रहा होगा यहाँ पर USB है, आप यहाँ पर देख लेंगे, इसको आपको यहाँ पर क्या करना है, इस एक दूसरे से जोड़ना है, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको क्या करना है, एक दूसरे से जोड़ना है, इस तरह से आपको लगा देना है, इस तरह लगाते हैं तो आपके सामने कनेक्ट हो जाता है, आप यहाँ पर देख लेंगे एक दूसरे से कनेक्ट हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस वाले सिरे को आपको अपने फ़ोन में लगाना है, चलिए लगाते हैं, दिखाते हैं कैसे लगाते हैं और साथ ही कनेक्ट कैसे करते हैं, चलाते कैसे आइए जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं, आपके सामने इस वाले फ़ोन में लगा कर दिखाते हैं, इस वाले फ़ोन में जैसे हमने लगाया है, आपके सामने यहाँ पे दिख रहा होगा इनेबल OTG का ऑप्शन आ गया है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा OTG का ऑप्शन है, आप इसे इनेबल करेंगे तो आपके सामने आपका यहाँ पर क्या होगा, माउस हो जाएगा कनेक्ट, आप यहाँ पर देख लेंगे, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा लाइट जल रहा है, इसका मतलब है माउस हमारा कनेक्ट हो गया, आप यहाँ पर देख लेंगे। अब यहाँ पर क्या करते हैं, आपके सामने चला कर दिखाते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, गैलरी को ओपन करता हूँ, आप यहां पर देख सकते हैं, जो कि आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा, हमने यहां पर आपके सामने फोटोज ऐप को ओपन कर दिया है, जो कि यहां पर दिख रहा होगा बैक भी हो रहा है, एरो भी है आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा, एरो यहां पर दिख रहा होगा, और यहां पर लाइब्रेरी पर मैं क्लिक करता हूं, लाइब्रेरी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर दिख रहा होगा लाइब्रेरी भी ओपन हो गया, साथ ही हमारा यहाँ पर वीडियो वगैरह फोटो वगैरह भी आ रहा है, इसका मतलब है हमारा माउस कनेक्ट है, और इस तरह से आप माउस को इस्तेमाल कर सकते हैं मोबाइल में, यानी माउस से आप मोबाइल को चला सकते हैं, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरह बैक करता हूँ, इसके बाद चलिए दिखाते हैं कैसे दूसरे फोन में कनेक्ट करते हैं। अब इसकी बारी है, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, इस फोन में आपके सामने लगाता हूँ, लगाते ही आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा कुछ नहीं शो कर रहा है, और आपके भी फोन में इस तरह आए कुछ ना आए इनेबल करने का ऑप्शन वगैरह, या नोटिफिकेशन में आपको कुछ ना दिखाए, तो आपको यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर अपना फ़ोन का सेटिंग को ओपन करना है, जो कि सेटिंग को मैं ओपन करता हूँ, आपको भी फ़ोन का सेटिंग को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस, आपको यहाँ पर क्या करना है, ब्लूटूथ एंड डिवाइसेस या मोर कनेक्शंस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो आपके सामने आ जाएगा OTG का ऑप्शन, OTG आपको इनेबल करना है, जो कि इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते हैं तो आपके सामने इनेबल हो जाता है। इसके बाद आपका यहां पर क्या होगा, माउस भी कनेक्ट हो जाता है, जो कि आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा माउस हमारा कनेक्ट हो गया। इसके बाद मैं यहां पर क्या करता हूं, व्हाट्सएप को ओपन करता हूं, व्हाट्सएप ओपन करते ही आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा व्हाट्सएप भी ओपन हो रहा है। इसके बाद मैं यहां पर टाइपिंग भी कर देता हूं, इस तरह आप जो है टाइपिंग करके सेंड भी कर सकते हैं मैसेज, आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा मैसेज हमने सेंड कर दिया है, और बैक कर देता हूं। इस तरह आप आसानी से माउस को अपने फ़ोन में कनेक्ट करके आप चला सकते हैं बड़ी आसानी से। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।